मैं राहुल सैनी HR न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि फ़ोटो से हम वीडियो कैसे बनाएं, उसकी एडिटिंग कैसे होगी और एडिटिंग हम चेंज करें तो कैसे होगी, उसके बारे में मैं एक ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी न्यू वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो कि क्या हो वीडियो और कौन सी एप्लीकेशन से हम इसको बना सकते हैं। हमें प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से हमने फ़ोटो वीडियो मेकर के नाम से एप्लीकेशन को लोड करना है। जैसा कि ये तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन आई हुई है, ये वाली, ये मैंने पहले से ही लोड कर रखी है, तो आप इसको लोड कर लेना। चलो आइए मैं बताता हूँ इसको आपने चलाना कैसे, कैसे इसमें आपने एडिटिंग करना है। जैसे कि ये एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है, आपको इस तरह से इसका कोई इस तरह से ये एप्लीकेशन लोड हो जाती है। इसमें क्रिएट वीडियो के नाम से है, ये आपको लोड करना है, ओपन करना है। इसमें जैसे आपके पास जो भी फ़ोटो हो, फ़ोटो के हिसाब से आप ये वीडियो बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये फ़ोटो हैं कुछ बच्चों के, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे कि ये मैंने 6 फ़ोटो ले लिए, 6 फ़ोटो लेने के बाद ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने ये 6 फ़ोटो क्लिक कर ली, उसके बाद ये जो टिक मार्क वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको इसमें कुछ वीडियो और ऐड करनी, जो प्लस वाला निशान नज़र आ रहा, इस पर क्लिक कर देना। लेकिन मुझे अभी कोई फ़ोटो ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं इसको सीधा ही क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि ये मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये इस तरह का मतलब स्टार्ट हो गया है, तो उनके साथ में वेस्ट हो गई है। और एडजस्ट हो जाती है, इसमें हमने इसका एडिटिंग चेंज करना है कि हमें दूसरा लुक चाहिए, तो ये जो दूसरे नंबर वाला है आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ये क्लिक करने के बाद ये लोड हो जाता है, तो ये एडिटिंग चेंज होती है, इधर फोटो कभी इधर से उधर जाए, इधर उधर से उधर आए, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरे नंबर की क्लिक कर लीजिए। इसमें देखते हैं कि ये किस तरह की एडिटिंग होती है, इसमें हर बच्चे हर में एडिटिंग कितना अच्छा लग रहा है फोटो के लिए। अगर आपको पसंद नहीं तो आप ये 4 नंबर भी यूज कर सकते हो, हर में टीम अलग मिलेगी, हर में अलग मिलेगी, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देखते हैं कौन सा वाला अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये और टोन लगा सकते हो, हर में आपको टोन चेंज जरूर मिलेगी, जो भी आप इसको सिलेक्ट करोगे उसमें भी हर बार टोन अलग है और एडिटिंग भी अलग है, कभी फोटो इधर से उधर जाए। इसमें क्या है एक और बता देता हूँ आपको, इसमें एडिट म्यूजिक है, इसमें आप कोई भी अपने गैलरी से म्यूजिक वगैरह ले सकते हो। एडिट इमेज है कि इसमें अगर आपको कोई और इमेज ऐड करना है वो आप कर सकते हो, इधर से उधर, मतलब कोई पहले लाना है कोई बाद में लाना, वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि इसको मैं पहले लाना चाहता हूँ, इसको बाद में लेना चाहता हूँ, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जैसे कि क्लिक हो गया, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा, अब ये फोटो पहले आए कि बाद में आए। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसमें जैसे जो टाइम 18 सेकेंड आ रही है, इसमें आप इसमें जैसे हमारा पहले ये 3 सेकेंड का एक फोटो लेना, तो उसको हम 8 सेकेंड का फोटो कर देते हैं, तो हमारी ये वीडियो 48 सेकेंड, तो हम ऐसे इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद ये और एडिटिंग है, इसमें जैसे कि आपको फ्रेम वगैरह ऐड करना है या कुछ और ऐड करना है, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपके फ्रेम छोटा बड़ा डिजाइन हर तरह का इसमें आपको आप देख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं क्या, वो किस तरह का इसमें चाहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से नॉर्मल ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और दोस्तों, वीडियो के बारे में जो कमेंट करते हैं, मुझे बताना कि वीडियो
से ऊपर जाओगे एडिटर के साइड में, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आपकी ये सेव वीडियो, ये वीडियो आप सेव कर सकते हो, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर आप कोई दूसरे एप्लीकेशन चलाना चाहते हो साथ में, चला सकते हो। इसको यहाँ से बिल्कुल होम पे आ जाना, ये धीरे धीरे आपकी करके लोड हो जाएगी। और लोड होने के बाद ये आप जहाँ पे मर्जी डालना चाहो वहाँ पे डाल सकते हो। बहुत अच्छा है।